Hello students, in the previous video we have studied about the electric potential and we have calculated the electric potential for point charge, line charge as well as for sheet charge. We have also solved some numericals to understand the concept. Now in this video I will take one more concept of electric potential, that is closed line integral of electric field. Okay, so closed line integral, okay, of electric field. ये हमें इस वीडियो में स्टडी करना है यहाँ पर, okay? तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसी से बिल्कुल मिलता जुलता कंसेप्ट है आपका, ठीक है? तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने V क्या कैलकुलेट किया था? E.dl और सामने क्या था आपका? माइनस साइन. V equal to minus E dot dl. ये था आपका potential difference, ठीक है? या electric potential. But यहाँ पर एक बात को समझिएगा. यहाँ पर अगर मैं integral को closed कर दूँ, okay? Closed line integral of electric field कर दूँ, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? आपको ये point समझना होगा. अगर आप integral को closed करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर क्या होंगे आप? एंड हो जाएंगे, ठीक है? और आपको ये बात समझनी होगी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके? एग्जिस्ट बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट. एक्चुअली मैं आपको ये कहना चाहिए, एग्जिस्ट बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स, ओके? लेकिन अगर आप जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे तो पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके? सेम हो जाएंगे, ठीक है ना? तो आप क्या कह सकते हैं कि बिटवीन द सेम पॉइंट, ओके, बिटवीन सेम पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो, ओके? मींस अगर आपके पॉइंट सेम होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. इसकी क्या मीनिंग है कि जो क्लोज लाइन इंटीग्रल है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि आपके पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं. मींस जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे आप एंड करते हैं. क्लियर है अच्छे से? इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं. कुछ और पॉइंट है, कुछ और कंसेप्ट है, उनसे भी आप इसे समझ सकते हैं. वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन एनी क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो, ठीक है ना? मींस जब आप क्लोज्ड पाथ में चार्ज को मूव करते हैं तो जो वर्क डन किया जाता है वो ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है? तो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ, ओके, इन अ क्लोज्ड पाथ टू मूव द चार्ज इज ऑलवेज जीरो. क्लियर है अच्छे से? नाउ इसकी क्या मीनिंग है? इसकी ये मीनिंग है कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में आप जितनी एनर्जी एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है ना, एनर्जी एक्वायर्ड करते हैं, उतनी ही एनर्जी आप क्या कर देते हैं? लॉस्ट कर देते हैं. दोनों सेम होती है आपकी, ओके? एनर्जी एक्वायर्ड एज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट, ठीक है ना? आप ये कह सकते हैं एनर्जी एक्वायर्ड इन द फील्ड डायरेक्शन, जितनी एनर्जी आप एक्वायर्ड करते हैं इन फील्ड डायरेक्शन में, उतनी ही एनर्जी आप लॉस्ट कर देते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड में आप उतनी ही एनर्जी लॉस्ट कर देते हैं. क्लियर है अच्छे से? तो एनर्जी एक्वायर्ड इन द फील्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर? तो ये सारी बातें आपकी क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो से निकल कर आ रही है, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके लिए, आपको समझना होगा इसे, ठीक है? आप ये भी कह सकते हैं जो आपने इक्वेशन लिखा है ये वाला कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो, उससे आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ओके, एंड नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है ना? जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ओके, कंजर्वेटिव फील्ड एंड इट नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, ओके, एंड नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप. क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो आपको ये बात समझ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती है. क्लियर? इससे आप एक और चीज बता सकते हैं, आप ध्यान से समझिएगा
कि देखिए आपने लिखा है E dot dl equal to zero, ठीक है? आपको अगर स्ट्रोक्स थ्योरम याद हो तो पहले यहां पर मैं स्ट्रोक्स थ्योरम लिख देता हूं आपके लिए. स्ट्रोक्स थ्योरम में हमने ये पढ़ा था A dot dl means A का क्लोज लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू डेल क्रॉस A डॉट ds, ठीक है ना, कर्ल ऑफ A का सरफेस इंटीग्रल, ओपन सरफेस इंटीग्रल, ठीक है. ये हम लोगों ने स्टडी किया था जब हम लोगों ने कर्ल की स्टडी की थी, वहां पर हम लोगों ने कर्ल के साथ साथ ही स्ट्रोक्स थ्योरम भी स्टडी किया था, ठीक है. नाउ अब यहां पर अगर आप देखें तो E डॉट dl, इसको आप क्या लिख सकते हैं फिर, डेल क्रॉस E, ओके, डेल क्रॉस E डॉट ds इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका स्ट्रोक्स थ्योरम हो गया. इसे आप लिख सकते हैं अब डेल क्रॉस E डॉट ds इक्वल टू जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो डॉट ds. तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कि डेल क्रॉस E जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. मीन्स कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ठीक है ना. स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और जिसका कर्ल जीरो होता है, जिस भी वेक्टर का कर्ल जीरो होता है, उस वेक्टर को हम जानते हैं इररोटेशनल वेक्टर के नाम से, ओके. तो ये जो आपका वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इट इज कॉल्ड इररोटेशनल वेक्टर, जिसके लिए आपका कर्ल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है. क्लियर है अच्छे से. कुछ पॉइंट्स और आप बोल सकते हैं इसी इक्वेशंस के थ्रू कि ये जो इक्वेशन है एक तरह से ये केवीएल का इक्वेशन है, ठीक है ना. दिस इक्वेशन इज केवीएल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर अच्छे से कि क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज क्या होता है, अल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज इज जीरो. इंटीग्रेशन माने समेशन ही होता है ना. तो केवीएल में भी हम यही पढ़ते हैं कि इन अ क्लोज लूप अल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज इज जीरो. तो यहां पर भी तो वही चीज पढ़ रहे हैं हम लोग कि क्लोज लूप में अल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज क्या है आपका, जीरो है, ठीक है. तो एक्चुअल में ये केवीएल है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके. और लास्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं इस पूरी थ्योरी से, वो ये बोल सकते हैं आप कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है. मीन्स जब आप वर्क डन करते हैं, ठीक है ना, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, ओके, मूविंग अ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके, बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मीन्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ओके. इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है. वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. इसका मीनिंग क्या है कि जो वोल्टेज है आपका, जो वोल्टेज का इक्वेशन आपने लिखा है यहां पर E डॉट dl इक्वल टू जीरो इन अ क्लोज पाथ, वो क्यों जीरो हुआ, क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या था, सेम था, ठीक है ना. इसलिए वो जीरो हो गया, क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड तो कर ही नहीं रहा था, वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा था, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है. तो ये जो इक्वेशन हमने पढ़ा है, जो दो इक्वेशन एक्चुअल में हम लोगों ने पढ़े हैं, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लोज लाइन इंटीग्रल E डॉट dl इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड इसी को नॉर्मल फॉर्म में पढ़ा कर्ल ऑफ E इक्वल टू जीरो. ये दो इक्वेशन आपके इंटीग्रल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में जो हमने लिखे हैं, ये आपके मैक्सवेल के सेकेंड इक्वेशन भी कहलाते हैं, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, ओके. मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ा था गॉस लॉ, और उसके हमने एप्लीकेशंस देखे थे. यहां पर हम पढ़ रहे हैं मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन, क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो, ओके. तो ये है आपका मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन. क्लियर है पॉइंट अच्छे से. नाउ
पोटेंशियल के कंसेप्ट को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे यहां पर, विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, हम लोगों ने डेल ऑपरेटर से रिलेटेड जब ऑपरेशन पढ़े थे तब हम लोगों ने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ठीक है ना, लाप्लाशियन ऑपरेटर, ये सारी चीजें स्टडी की थी। तो ग्रेडियंट क्या होता है हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब डेल वी, ठीक है ना। पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि स्केलर होता है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है अब, डेल वी मीन्स ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग पहले एक डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सारी थ्योरी डिस्कस करेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में और इस क्लास में भी हमने देखा है कि जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो होता है ओपन लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ माइनस साइन। ओके, यहां पर इस बात को समझिए आप, यहां पर देखिए आप, ये जो आपका ई और डीएल है दोनों आपका डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि यहां पर इंटीग्रेशन का साइन है। अगर मैं इंटीग्रेशन को रिमूव करना चाहता हूं तो मुझे बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा, डी लेना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां वी की जगह डीवी ले लूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस ई डॉट डीएल। क्लियर है अच्छे से। अब मैंने आपको एक और पॉइंट बोला यहां पर, वो क्या बोला कि ये दोनों जो है डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट हमें ओपन करना आना चाहिए। अगर ए डॉट बी हो तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई डी एल कॉस थीटा। ओके, आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए ना कि यहां पर ये वेक्टर्स थे, ओके, और ये आपका क्या है, स्केलर है। ई इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई एंड डी एल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी एल। तो ई डी एल कॉस थीटा, ठीक है, विथ माइनस साइन। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गया है डीवी का। नाउ यहां पर अगर मैं केस वन कंसीडर करूं, केस वन आपका क्या है कि सपोज करिए अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लूं, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका डीवी है, क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं, देखिए, डीवी अपॉन डीएल, डीवी अपॉन डीएल इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा लिख सकता हूं क्या। देख लीजिए आप, यहां से अगर आप डीएल को यहां से डिवाइड कर दें, आप यही लिख लीजिए, डीवी अपॉन डीएल इज इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा। ओके, तो आप देखिए जब आप थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे तो डीवी अपॉन डीएल जो है वो माइनस ई कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो डीवी अपॉन डीएल आपका जीरो हो गया, ठीक है। इसकी क्या मीनिंग है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या ये मीनिंग हमें समझ में आई, अगर नहीं आई तो मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए, जो डीवी अपॉन डीएल है इक्वल टू जीरो है, आप डी मींस क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वी। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ, एल क्या है, लेंथ है। तो चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90, ठीक है ना। मींस यहां पर चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। मींस आपका कह सकते हो कि वी जो है यहां पर क्या है, आपका कॉन्स्टेंट है। ओके, वी आपका कॉन्स्टेंट है और थीटा आपने क्या लिया है, 90 डिग्री, मींस परपेंडिकुलर या नॉर्मल, ये आपका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन तो यहां सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही होगा ना, पोटेंशियल तो आपका स्केलर होता है। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा आपको कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द, इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल आप लोगों ने क्यों कहा यहां पर, क्योंकि आपका जो वोल्टेज है वो तो सेम आया ना आपका, आप देख लीजिए वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और थीटा 90 डिग्री था। तो आपने क्या कहा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी कहा जा सकता था, वो तरीका क्या हो जाता, वो तरीका ये हो सकता था
कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कंटेन्स अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, मींस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ओके, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर परपेंडिकुलर या नॉर्मल, ठीक है ना, दैट आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कंटेन्स अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। आप इसको दोनों तरीके से कह सकते थे, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सेम चीज ही बोल रही है, बट आप लोगों का लिखने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। आपने पहली स्टेटमेंट में क्या कहा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरे स्टेटमेंट में आपने क्या कहा, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कंटेन्स अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑलवेज आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी जब आप थीटा को 90 डिग्री यहां पर ले रहे हैं, क्लियर है। वैसे तो जब मैंने परपेंडिकुलर बोल दिया तो थीटा 90 डिग्री ही है, वो तो हमें क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। नाउ अब अगर मैं यहां पर केस टू ले लूं, केस टू आपको क्या कहता है कि अगर आप थीटा को जीरो ले लीजिए, ठीक है, अगर आप थीटा को जीरो डिग्री लेते हैं तो डीवी अपॉन डीएल क्या होता है, माइनस ई कॉस थीटा, तो डीवी अपॉन डीएल क्या हो जाएगा, माइनस ई कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट और है यहां पर, आप समझिएगा थोड़ा सा, जब आप थीटा को जीरो लेते हैं या 180 लेते हैं तो कॉस थीटा आपको भी पता है मैक्सिमम होता है, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो जब आप थीटा को जीरो लेते हैं तो एक तरह से डीवी बाई डीएल क्या है आपका, मैक्सिमम है, क्योंकि कॉस की वैल्यू वन से ज्यादा तो हो नहीं सकती है, नो डाउट ये आपका डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना, मैक्सिमली आपका डिक्रीज होगा क्योंकि यहां पर माइनस साइन है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। मेन पॉइंट मेरा ये है, कॉस का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वन ही हो सकता है ना, तो कॉस जीरो आपका वन होगा, तो डीवी बाई डीएल मैक्सिमम, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है डीवी बाई डीएल क्या शो कर रहा है, डीवी बाई डीएल आपका शो कर रहा है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ, तो लेंथ के साथ पोटेंशियल में चेंज मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम चेंज आपका हो सकता है कि पोटेंशियल लगातार कम हो रहा हो या हो सकता है ज्यादा हो रहा हो, चूंकि यहां पर साइन माइनस है इसलिए पोटेंशियल लगातार आपका कम हो रहा होगा, ठीक है ना, बट यहां पर मैं बात कर रहा हूं चेंज की, चेंज आपका मैक्सिमम होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि आपने थीटा को क्या लिया हुआ है, जीरो डिग्री लिया हुआ है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आप मूव करेंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं पोटेंशियल चेंजेस बाय इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, पोटेंशियल चेंजेस बाय मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम चेंज हो सकता है, ओके, और जो ये चेंज है आपका, ठीक है ना, द चेंज इज डिक्रीज इन पोटेंशियल, ओके, डिक्रीज इन पोटेंशियल, क्लियर है, चेंज तो मैक्सिमम हो रहा है बट वो चेंज जो है वो डिक्रीज के साइड में है, लगातार कम हो रहा है पोटेंशियल आपका इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, क्लियर है अच्छे से। तो इस ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस ऑपरेशन को हम लोग ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, हम लोगों ने ग्रेडियंट की डेफिनेशन देख रखी है पहले भी, आपको याद होनी चाहिए, ग्रेडियंट हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है ना, ग्रेडियंट आपको क्या बोलता है, ग्रेडियंट आपको बोलता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर, ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ चेंज, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां पर आपका पोटेंशियल जो हो रहा है मैक्सिमम चेंज हो रहा है, मैक्सिमम चेंज ऑफ स्केलर है पोटेंशियल में चेंज होना, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस ऑपरेशन, ठीक है, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रेडियंट, ओके, तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, क्लियर, ये ऑपरेशन कहलाता है आपका ग्रेडियंट ऑपरेशन, ठीक है। दैट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस डेल वी हो जाएगी, क्लियर है अच्छे से। देख लीजिए यहां से हमने निकाला है,
इस dv by dl maximum को हम कह रहे हैं del v, ठीक है ना, del v, और minus sign आपका यहां से मिल गया, तो E क्या हो गया आपका minus del v. तो मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या आपका शो कर रहा है, maximum rate of change of scalar, ओके, maximum rate of change of scalar, ओके, क्लियर है पॉइंट अच्छे से, ये तो आपको दिख ही रहा है कि मैक्सिमम आपका चेंज हो रहा है स्केलर, बट वो जो चेंज है वो डिक्रीज के साइड में है, ठीक है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द स्केलर अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ चेंज, ओके, अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ चेंज, ये ऑपरेशन शो करता है आपका ग्रेडियंट, ओके, क्लियर है अच्छे से. तो ये E equal to minus del V is called gradient, electric potential का gradient, ठीक है, तो ये topic हमने study कर लिया यहाँ पर, potential gradient, clear है अच्छे से, और आपका जो gradient का हमने topic study किया है, ये आपके लिए बहुत ही important है, क्यों, जब आप numerical solve करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है, कि आपको potential की value given होती है, और आपको electric field निकालने बोलता है, तो जब आपको पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोले तो आपके पास एक ही तरीका रहता है कि आप पोटेंशियल का क्या ले लीजिए, ग्रेडियंट ले लीजिए, ठीक है. जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं यहां पर, सपोज करिए एग्जांपल नंबर 1 में आपको एक वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 10 cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, और आपको बोला है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2, pi by 6, pi by 3, ठीक है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने बोला गया है, क्लियर है अच्छे से. अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन पार्ट में जाऊं तो जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है वो तो मैं लास्ट पे भी पुट कर सकता हूं, मेन आपका क्या है कि आपको पोटेंशियल दिया है, स्केलर क्वांटिटी दी है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो आपको रिलेशन अभी-अभी पता चला है, E क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ओके, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेल वी निकालना होगा, और आपको यहां पर साफ-साफ दिख रहा है कि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ट्रिक भी बता चुका हूं, तो अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप उस वीडियो को फॉलो कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है, तो ट्रिक क्या थी आपकी, 1 अपॉन h1, H1 की वैल्यू क्या थी आपकी, 1 थी, तो 1 अपॉन 1 डेल v अपॉन डेल r, ओके, प्लस 1 अपॉन h2, 1 अपॉन r, ओके, डेल v अपॉन डेल थीटा, प्लस 1 अपॉन h3, 1 अपॉन r sin थीटा, 1 अपॉन r sin थीटा, डेल v अपॉन डेल phi, ओके, ये था हमारा ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ओके, क्लियर है अच्छे से. अब आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है v की वैल्यू पुट कर लेने के बाद, तो डेल v इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल r, और v की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 10 cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ओके, क्लियर है अच्छे से. नेक्स्ट 1/r, 1/r डेल अपॉन डेल थीटा 10 cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन r sin थीटा डेल अपॉन डेल डेल phi 10 cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, क्लियर है अच्छे से. तो अब आपका डेल v कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर आप r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो 10 cos थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है, 1/r स्क्वायर का आपका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/r स्क्वायर का हो जाएगा 1/r क्यूब, और सामने क्या साइन आ जाएगा आपका, -2, ओके, क्लियर है अच्छे से. नाउ यहां पर आप देखिए 1/r डेल बाय डेल थीटा 10 cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो यहां पर आप सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 1/r क्यूब, 1/r स्क्वायर आउटसाइड हो जाएगा, और 10 cos थीटा का क्या हो जाएगा, 10 minus sin थीटा, क्लियर अच्छे से यहां तक आपको. नाउ लास्ट टर्म को आप देखिए, लास्ट टर्म में थीटा और r के टर्म है, और आपको डिफरेंशिएशन करना है phi के रिस्पेक्ट में, तो लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0,
ओके तो ये टर्म क्या हो जाएगा, देखिए -20 cos थीटा अपॉन r क्यूब, ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस साइन है आपका, ठीक है, तो यहां पर माइनस लिख लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये -10 अपॉन r क्यूब sin थीटा। ओके एक और पॉइंट है जो हम लोगों ने स्टार्ट से कंसीडर ही नहीं किया है, वो आपका ये है कि जो ग्रेडियंट होता है उसके साथ क्या होते हैं डायरेक्शन, तो AR, A थीटा और यहां पर क्या आ जाएगा A फाई, साथ साथ यहां पर भी क्या हो जाएगा AR, A थीटा, A फाई, ओके यहां पर भी AR, A थीटा और यहां पर भी क्या हो जाएगा AR एंड A थीटा, ठीक है, तो यहां पर आपका ग्रेडियंट ऑफ V जो है वो आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए हम लोग को। अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, माइनस ऑफ डेल वी, माइनस ऑफ डेल वी है, दैट मींस ये दोनों ही आपके माइनस में आ रहे थे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो दोनों के दोनों आपके किस पे आ जाएंगे प्लस पे, ठीक है, तो 20 cos थीटा अपॉन r क्यूब, 20 cos थीटा अपॉन r क्यूब AR प्लस नेक्स्ट हो जाएगा आपका 10 अपॉन r क्यूब sin थीटा ए थीटा, ठीक है, तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ओके क्लियर है अच्छे से, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निकालनी है, आपको पॉइंट्स गिवन है 2, π/6, π/3, ओके तो π/3 जो फाई की वैल्यू है उसकी तो यहां जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, तो सिर्फ किसकी जरूरत पड़ने वाली है 2, π/6 की, तो आपका आर कितना है 2 है, तो 20/8 cos π/6 cos 30 कितना होता है आपका √3/2 AR प्लस 10/8 sin π/6 sin 30 कितना होता है 1/2 A थीटा। ओके तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हम लोगों ने अपने ग्रेडियंट ऑपरेशन की दोबारा से प्रैक्टिस की है, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा था, ठीक है। यहां पर मैं आप थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेने जा रहा हूं आपके लिए, थोड़ा मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, जो टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया है अभी उसके ऊपर आपको वी की वैल्यू दी हुई है 20 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस फाई, ओके ये आपको पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, तो यहां पर आपसे दो क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी एट 3, π/2, 0, ओके तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी कैलकुलेट करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकेंड क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, ओके वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम, ठीक है वर्क डन ऑफ मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम, ठीक है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो पॉइंट ए आपको गिवन है यहां पर 2, π/6, π/3, ओके ये आपको गिवन है पॉइंट ए, और जो आपको पॉइंट बी गिवन है वो आपको गिवन है 3, π/2, π/3, ओके तो ये आपको दो पॉइंट्स गिवन है, क्लियर है अच्छे से, तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है ऑफ मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्लियर तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जहां पर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, वी की वैल्यू आपको गिवन है 20 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस फाई, क्लियर अच्छे से ये आपको गिवन है ना वी क्वेश्चन में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें पता है जब हमें V पता होता है तो हम लोग E निकाल सकते हैं, E क्या होता है आपका माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हम लोग को, ठीक है तो यहां पर हम सबसे पहले E की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला आपके पास पीछे लिखा हुआ है क्योंकि ये आपका फिर से क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, क्लियर तो क्या हो जाएगा माइनस साइन आउटसाइड, ठीक है डेल बाई डेल आर 20 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है
प्लस कितना हो जाएगा 1 बाई आर डेल बाई डेल थीटा 20 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस फाई, ओके, प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाई 20 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस फाई, ओके। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है ना। फॉर्मूला आप पीछे से रिफर कर सकते हैं। तो यहां पर अब हमें ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप फर्स्ट टर्म को देखिए, फर्स्ट टर्म में आर के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और आर का टर्म अवेलेबल है, तो कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन आपका, आर स्क्वायर का करना है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस टू अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट टर्म के थ्रू आंसर क्या होगा, साइन थीटा कॉस फाई आपका आउटसाइड हो जाएगा सबसे पहले, तो आप लिख सकते हैं यहां पर साइन थीटा कॉस फाई, ये तो आपका आउटसाइड था। उसके अलावा देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्या होगा, माइनस टू अपॉन आर क्यूब, तो कितना बच जाएगा माइनस 40 अपॉन आर क्यूब, और माइनस साइन एक आउटसाइड है, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस 40 अपॉन आर क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा आपका ए आर। क्लियर है अच्छे से, यहां पर भी डायरेक्शन शो कर दीजिए, ए आर ए थीटा एंड ए फाई, ओके। तो ये आपका आ गया फर्स्ट टर्म, क्लियर है अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सेकेंड टर्म की अगर बात करें हम लोग, सेकेंड टर्म में आप देखिए आर स्क्वायर और 20 दोनों ही क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉस फाइव भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर आपका जो सेकेंड टर्म है उसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ही आप आउटसाइड कर दीजिए, 20 अपॉन आर स्क्वायर और 1 बाई आर पहले से है, तो 20 अपॉन आर क्यूब इंटू कॉस फाइव, ठीक है, तो 20 अपॉन आर क्यूब कॉस फाइव, इसको आप आउटसाइड कर दीजिए, ए थीटा आपका डायरेक्शन है। अब आप देखिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका आंसर पॉजिटिव में आया है लेकिन बाहर साइन क्या है, नेगेटिव है, तो आप सामने क्या लगा देंगे, माइनस साइन, ठीक है, क्लियर है यहां तक अच्छे से आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट टर्म आप देखिए, नेक्स्ट टर्म में हमें फिर से 20 अपॉन आर स्क्वायर क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और बाहर में क्या है आपका 1 अपॉन आर साइन थीटा, एक्चुअल में यहां साइन थीटा भी कॉन्स्टेंट है, तो 20 साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आउटसाइड, ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है, तो आउटसाइड में आपका क्या हो जाएगा, आउटसाइड में आपका आ जाएगा 20 अपॉन आर क्यूब ओनली, ठीक है ना, तो 20 अपॉन आर क्यूब, क्लियर, और कॉस फाई का क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन, माइनस साइन फाई, तो आप क्या लिखेंगे, साइन फाई लिखेंगे, माइनस साइन फाई लिखना है, लेकिन बाहर भी एक आउटसाइड में माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका डायरेक्शन ए फाई, ठीक है। तो यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना है डी, ठीक है, और कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब फ्री स्पेस है, तो डी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ई, ओके। इसका क्या मीनिंग है, जो भी आप लोगों ने ई निकाला है उसमें आप एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट इंटू 40 बाय आर क्यूब, ओके, 40 अपॉन आर क्यूब साइन थीटा कॉस फाई ए आर, ओके, माइनस 20 एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा कॉस फाई ए थीटा, ओके, प्लस 20 एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर क्यूब साइन फाई ए फाई, ओके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी का, लेकिन आपको डी जो है वो किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करने बोला था क्वेश्चन में, यस 3π/2,0, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको आर की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3, थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, पाई बाय टू, और फाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0, 3π/2,0। तो आपकी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहां पर डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, आर की वैल्यू आपको 3 पुट करनी है, साइन पाई बाय टू 1 हो जाएगा,
cos 0 भी 1 होगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा 40 epsilon naught 3 का क्यूब कितना होगा 27 ar, ठीक है? नाउ नेक्स्ट देखिए आप, यहां cos थीटा cos फाई है, तो cos थीटा 90, cos 90 0, तो वो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, हमें पता है ना cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला टर्म देखिए आप, sin फाई मींस sin 0, sin 0 क्या होता है 0, तो अगला टर्म भी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छे से तो अब आपको करना क्या है, बस आपको यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करनी है 8.854 into 10 की पावर -12, ठीक है, अपॉन 27 ar, ओके। और जो भी आपका आंसर आ रहा है, यूनिट क्या होती है डी की आपकी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? आप चाहें तो पीको कूलाम में आंसर लिख सकते हैं, 10 की पावर -12 को क्या बोलते हैं, पीको, तो आप 10 की पावर -12 को हटा दीजिए और कूलाम के सामने क्या लगा दीजिएगा, पीको कूलाम, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका पार्ट ए यहां पर फिनिश होता है। आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम था जैसे हमने एग्जांपल 1 लिया था इस वीडियो में, कुछ भी डिफरेंस नहीं था आपका। अब अगर मैं बात करूं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आपको क्या पूछा गया, देखिए आप, पहले पार्ट बी में आपसे पूछा गया, वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलाम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ओके। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें v की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, हम लोगों ने यहां पर d भी कैलकुलेट कर लिया है, e भी कैलकुलेट कर लिया है, तो अब वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो सकता है इनके रेस्पेक्ट में, या इनके फॉर्म में वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो सकता है? तो जो वर्क डन का फॉर्मूला हो सकता है, आप सोचिए, जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक डेरिवेशन किया था, जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वी और ई के बीच में रिलेशनशिप निकाला था, तब हम लोगों ने वर्क डन का एक फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, डी डब्ल्यू हम लोगों ने लिखा था, क्यू माइनस क्यू लिखा था, मैंने आपको बताया था वर्क करना पड़ रहा है इसलिए क्या होता है माइनस क्यू, ठीक है, ई डॉट डी एल, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था लास्ट क्लास में। तो यहां पर अगर मैं डब्ल्यू ले लू तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, क्यू तो कॉन्स्टेंट होगा, 10 माइक्रो कूलाम गिवन भी है क्वेश्चन में, ई डॉट डी एल, याद आ गया होगा आप लोगों को अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो फॉलो की है। इसी W में हम लोगों ने Q का डिवाइड करके W by Q क्या निकाला था, पोटेंशियल, ठीक है ना, जो कि आया था माइनस लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, क्लियर है अच्छे से, आपको याद आ गया होगा। तो यहां पर आप देखिए, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है, चार्ज की वैल्यू कितनी की वन है, 10 माइक्रो कूलाम, तो ये आपको कैलकुलेशन करना है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से समझिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, मतलब वीबी माइनस वीए। तो इसे आप और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसे आप लिख सकते हैं यहां पर क्यू, ओके, इसे आप लिख सकते हैं वीबी माइनस वीए, ठीक है ना, ये है एक्चुअल में आपका फॉर्मूला, ये तो जस्ट सिंबॉलिक फॉर्मूला था आपका, ठीक है ना, लास्ट क्लास का आपको मैं याद दिला रहा था। एक्चुअल में आपका फॉर्मूला क्या है, आपको पूछा क्या है, वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जब आप चार्ज को मूव करते हैं, क्लियर है अच्छे से, जब आप चार्ज को ए टू बी तक मूव करते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ा। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास पे मैंने जब आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखाई थी तो आपको लिखाया था V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है, तो यहां से आपका जो W है वो क्या हो जाता, QV हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो Q Q एज इट इज रहा, V की जगह आपने क्या लिखा, VB माइनस VA, क्योंकि आप A से B की तरफ जा रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे, VB माइनस VA, क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर हमें W यहां से कैलकुलेट करना है, तो W आपका क्या हो जाएगा, आपको चार्ज की वैल्यू क्या दी है, 10 माइक्रो कूलाम, 10 इंटू 10 की पावर -6। अब VB माइनस VA करना है आपको, ठीक है, आपको दोनों पॉइंट्स की वैल्यू गिवन है, पहले हम लिख लेते हैं उसे, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर आपको पॉइंट A गिवन है 2, पाई बाय 6, पाई बाय 3,
ठीक है, तो इसे लिख लीजिए पहले यहां साइड में, पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए आर कितना गिवन है 2, ठीक है, थीटा कितना गिवन है आपको पॉइंट ए के लिए पाई बाय 6, और फाई कितना गिवन है आपको पाई बाय 3। सेम आप पॉइंट बी के लिए भी लिख लीजिए, आर थीटा एंड फाई, ओके। तो पॉइंट बी के लिए आप देख लीजिए यहां पर क्या क्या गिवन है आपको वैल्यूज, ठीक है, पॉइंट ए हमने लिख लिया है 2 पाई बाय 6 पाई बाय 3, पॉइंट बी आपको गिवन है 3 पाई बाय 2 पाई बाय 3, ओके। तो हम यहां लिख लेते हैं 3 पाई बाय 2 पाई बाय 3, ठीक है, ये पॉइंट ए और बी की वैल्यूज आपको गिवन है, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। और वोल्टेज वी कितना गिवन था ये भी हम लिख लेते हैं साइड में, तो वोल्टेज वी आपको गिवन था यहां पर 20 अपॉन आर स्क्वायर, ओके, 20 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस फाई, ये आपको पोटेंशियल वी गिवन था, ठीक है। तो यहां से आपको क्या क्या निकालना है, आपको यहां से निकालना है वी बी और वी ए, मीन्स पहला बार आपको करना है वी बी और सेकेंड टाइम आपको क्या करना है वी ए। तो वी बी निकाल लीजिए पहले आप, कितना हो जाएगा 20 अपॉन आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, साइन थीटा दैट इज साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 1, साइन 90 इज 1, कॉस फाई पाई बाय 3 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो यहां से आपका वी बी कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जो आपका वी बी आया है वो कितना आ गया आपका 20 और 2 कैंसल तो 10 बचा, कितना आ गया 10/9, ठीक है। तो ये आपका आ गया है वी बी, क्लियर अच्छे से, इस पे कोई डाउट है, हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहां पर अब अगर मैं बात करूं आपके वी ए की, तो वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए, 20 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 4, साइन 30, साइन 30 कितना होता है आपका साइन पाई बाय 6, साइन 30 1/2, कॉस 60, कॉस पाई बाय 3 कॉस 60 कितना होगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 जो है आपका 4 से कैंसल आउट हो जाएगा तो 5 बचेगा, तो आंसर क्या होगा 5/4। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं 10/9 माइनस 5/4, क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा वर्क डन का, आप चाहें तो इस आंसर को 10^-6 है माइक्रो जूल में लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, वर्क या एनर्जी की यूनिट क्या होती है आपकी, जूल होती है, तो यू कैन राइट इन माइक्रो जूल, ठीक है, क्लियर है, वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपको समझ में आना चाहिए था वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मीन्स क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, क्लियर अच्छे से। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए था, बस उसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, ठीक है। तो यहां पर मैं फिनिश कर रहा हूं अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक, आई होप आपको क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा, ठीक है, थैंक यू।